हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फर्स्ट टाइम मॉम। सो सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत थैंक यू मेरे डिलीवरी स्टोरी वाले वीडियो को इतना सारा प्यार देने के लिए। मैंने कुछ महीनों पहले ये वीडियो अपलोड किया था एंड बहुत सारे लोगों ने देखा, बहुत सारे क्वेश्चंस किए। तो जो इस चैनल पे आज फर्स्ट टाइम आया है उन्हें थोड़ा बैकग्राउंड बता देती हूँ कि हाँ, मैं दो बच्चों की माँ हूँ। मेरी फर्स्ट डिलीवरी जो है वो सी सेक्शन से हुई थी एंड सेकेंड डिलीवरी एग्जैक्ट 2 साल के बाद नॉर्मल हुई, जिसको बोलते हैं वजाइनल बर्थ आफ्टर सी सेक्शन, जिसको VBAC भी बोलते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस पूछे थे कि आप अपना रूटीन शेयर कीजिए, आपने प्रेगनेंसी के दौरान कौन सा रूटीन फॉलो किया, कौन कौन सी एक्सरसाइज की जो कि आपको हेल्पफुल हुआ नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो आज के वीडियो में मैं मेरा प्रेगनेंसी के दौरान जो रूटीन था वो शेयर करूँगी, साथ ही में कुछ पिक्चर्स शेयर करूँगी, दैट्स माई बेबी, वो भी शेयर करूँगी। तो आप वीडियो एंड तक ज़रूर से देखिए, आपको डेफिनेटली हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें एंड सभी नए वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर जॉइनिंग। तो जब मेरी सेकंड प्रेगनेंसी कंफर्म हुई तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि इस प्रेगनेंसी को मैं एंजॉय करूँगी, कोई भी मुझे रूल्स रेगुलेशन नहीं बनाने हैं, ना कोई स्ट्रेस लेना है, जो मन में आएगा वो करूँगी, एंजॉय करूँगी। क्योंकि मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे मुझे मतलब मेरा टाइम बहुत ही हेक्टिक चल रहा था, तब मेरी जॉब थी तो मतलब ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, इसी में मेरा पूरा टाइम चला गया था। तो इस टाइम मुझे प्रेगनेंसी को एंजॉय करना था। ऐसा नहीं था कि इस टाइम पे मैं काम नहीं कर रही थी, लेकिन नॉट जॉब लाइक कि 9 to 6 जॉब। मैं एज ए इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया पे काम करती हूँ, तो वो अपने हिसाब से अपने टाइम से हम कर सकते हैं, ज़्यादा इतना स्ट्रेस नहीं होता है। तो बस मेरा यही था कि इस प्रेगनेंसी के टाइम पे मुझे एंजॉय करना है। मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो था वो इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि मतलब मुझे बहुत प्रॉब्लम थी मॉर्निंग सिकनेस वगैरह की। तो मैंने जैसे तैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर सिर्फ निकाला था, कोई रूटीन नहीं था उसमें, सिर्फ मैं दिन निकाल रही थी उस टाइम पर। तो मेरा जैसे ही फर्स्ट ट्राइमेस्टर ख़त्म हुआ, सेकेंड ट्राइमेस्टर से मुझे अच्छा फील होना स्टार्ट हो गया। आई वॉज़ फीलिंग गुड, मैं धीरे धीरे एन्जॉय करने लगी, मुझे खाना वगैरह सब भी अच्छा लगने लगा। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर से मैंने थोड़ा बहुत मेरा रूटीन सेट कर लिया था। तो अब मैं बताती हूँ कि मैं सेकेंड ट्राइमेस्टर से कौन सा रूटीन फॉलो करती थी। मेरी सुबह स्टार्ट होती थी 1 ग्लास ऑफ वार्म वाटर से, जो कि मैं आराम से बैठ के धीरे धीरे पीती थी। अगर आपको प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस है तो आपको पता ही होगा कि सुबह सुबह उठते ही आप जल्दी से कुछ बहुत ज़्यादा कुछ पी नहीं सकते, खा नहीं सकते, आपको तुरंत वॉमिटिंग जैसा होने लगता है। तो आराम से बैठ के मैं 1 ग्लास गुनगुना पानी पीती थी, ये मेरी दिन की शुरुआत ऐसे होती थी। उसके बाद फिर मॉर्निंग का रूटीन स्टार्ट हो जाता था, जैसे कि ब्रेकफास्ट बनाओ, चाय, नाश्ता। तो मेरा मॉर्निंग का नाश्ता ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं होता था जो हम रूटीन में करते हैं, चाय, पराठा या फिर पोहा, उपमा, कुछ भी जो नॉर्मली हम ब्रेकफास्ट में खाते हैं वही रहता था। और उसके बाद फिर बच्चे का मिल्क, उसको ब्रेकफास्ट कराओ, तो ये सब प्रोसेस चलता था मॉर्निंग के टाइम में। उसके बाद फिर बच्चे को नहलाओ, उसको रेडी करो, खुद रेडी हो, तो मेरा मॉर्निंग का टाइम ऐसे जाता था। और उसके बाद मुझे थोड़ा फ्री टाइम मिलता था, 1 घंटे जैसा फ्री टाइम, और उसके बाद फिर लंच का टाइम स्टार्ट हो जाता था। तो ये बिटवीन जो मुझे 1 घंटे का फ्री टाइम मिलता था, उसमें मैं मेरी बच्ची के साथ खेलती थी या फिर उसके साथ एक्टिविटीज़ में उसे एंगेज करना, मेरा कोई काम है तो वो करना, टीवी देखना। तो ये 1 घंटा जो मेरे पास फ्री होता था उसमें हम ऐसे ही टाइम पास करते थे। और ये टाइम के दौरान अगर मुझे भूख लगती थी तो जनरली मैं फ्रेश फ्रूट्स खाती थी, घर में जो भी फ्रूट्स अवेलेबल रहते थे। मोस्टली मुझे एप्पल बनाना अच्छा लगता था, तो ये मैंने थ्रू आउट प्रेगनेंसी खाया है। तो ये टाइम पे फ्रूट्स मैं खाती थी, कभी कभी ड्राई फ्रूट्स भी ले लेती थी, डिपेंड करता है मूड के ऊपर। तो ये मेरा मॉर्निंग का रूटीन था। और उसके बाद फिर टाइम हो जाता था लंच का, फिर लंच बनाओ, लंच करो, बच्चे को खिलाओ। तो ये सभी टाइम में 2 बज जाते थे आराम से। 2 बजने के बाद फिर मुझे 2 घंटे का फ्री टाइम मिलता था, जबकि मेरी बेटी दोपहर में सो जाती थी 2 घंटे। तो ये टाइम है जब मैं रेस्ट कर सकती थी। कभी कुछ ज़्यादा थकान है तो जनरली मैं सो जाती थी, और इतना ज़्यादा थकान नहीं है तो फिर मोबाइल में टाइम पास करो, बुक पढ़ो, या फिर मुझे कुछ कंटेंट क्रिएट करना रहता था तो ये करती थी। तो दोपहर के टाइम में मैं ये सब चीज़ें जनरली करती थी। फिर इवनिंग में वापस थोड़ा नाश्ता,
चाय एंड फिर हम जाते थे बिल्डिंग के नीचे कंपाउंड में जहाँ बच्चे खेलते हैं इवनिंग के टाइम में। तो मेरी बच्ची और मैं, हम दोनों जाते थे, थोड़ा बहुत हमारा टाइम पास हो जाता था, फ्रेश हो जाते थे। मेरी बेटी वहाँ खेलती थी और मुझे अगर बैठना है तो बैठती थी, वॉक करना है तो वॉक कर लेती थी। तो इवनिंग का टाइम हमारा ऐसे चला जाता था। एंड फिर वापस डिनर का टाइम, डिनर बनाओ, खुद करो, तो ऐसे ही फिर रात हो जाती थी। तो एंड नाइट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं एक ग्लास गुनगुना मिल्क और उसमें प्रोटीन पाउडर डाल के पीती थी। ये मेरा डेली का मतलब रूटीन था कि ये मुझे करना ही है। वो डॉक्टर ने रेकमेंड किया था कि आपको प्रोटीन पाउडर लेना है। मेरी कैल्शियम एंड आयरन की टेबलेट्स डेली चलती थी एंड एक ये प्रोटीन पाउडर, तो ये मेरा डेली का था। तो ऐसे ही मेरा पूरे दिन का रूटीन रहता था वीकडेज़ में। वीकेंड में थोड़ा चेंज हो जाता था क्योंकि मेरे हस्बैंड की जॉब होती थी मंडे टू फ्राइडे, लेकिन वीकेंड में वो, उनकी छुट्टी रहती है, तो वीकेंड में हम मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग गार्डन वगैरह जाते थे। वहाँ जाके मुझे थोड़ा बहुत ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है, थोड़ा वॉक करना है, फ्रेश एयर लेना है, तो गार्डन में जाना मुझे अच्छा लगता है। तो वीकेंड में हम जनरली ये करते थे मॉर्निंग के टाइम में। बाकी का जो रूटीन है वो इवनिंग में, हम किधर भी घूमने चले जाते थे, मॉल है या फिर बुक स्टोर्स है, बच्चे का प्ले एरिया है, ऐसे कोई भी जगह पे जाके थोड़ा फ्रेश होके आ जाते थे। तो ये रहता था हमारा वीकेंड का शेड्यूल। कभी कभी मुझे एज ए इन्फ्लुएंसर कुछ कुछ इवेंट्स भी अटेंड करने रहते थे, तो ऐसे टाइम में मैं ऐसे इवेंट्स भी अटेंड करती थी। मैं थ्रू आउट प्रेगनेंसी काफ़ी एक्टिव रही हूँ। मैंने 9th मंथ स्टार्ट होने के बाद भी इवेंट्स अटेंड किए हैं, तो उसके कुछ पिक्चर्स हैं जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये था एक इवेंट पीडियाश्योर का, जब मैं 6 मंथ प्रेग्नेंट थी। वहाँ पे हम सभी मॉम ब्लॉगर्स को बुलाया गया था, ये सब मेरे फेलो मॉम ब्लॉगर्स के साथ। ये है दूसरा इवेंट, तब भी मैं 6 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। ये बच्चों के प्ले एरिया का इवेंट था जहाँ हमें बच्चों के साथ इन्वाइट किया गया था। ये इवेंट था जब मैं 8th मंथ प्रेग्नेंट थी। ये सभी इन्फ्लुएंसर का इवेंट था हैदराबाद में। बहुत ही एंजॉय किया था हम सब ने, बहुत मज़े किए थे। ये एक इवेंट था क्लास मॉनिटर का, जो भी हमें बच्चों के साथ बुलाया गया था। ये टाइम पे मेरा ऑलरेडी 9th मंथ स्टार्ट हो गया था। ये इवेंट मैंने 9th मंथ स्टार्ट होने के बाद 1 वीक के बाद अटेंड किया था। ऐसे काफ़ी सारे इवेंट्स मैंने मॉम ब्लॉगर्स के साथ अटेंड किए हैं। तो बस ऐसा ही था सिंपल सा मेरा रूटीन, आपने देखा ही होगा। दूसरा भी क्वेश्चन जो आप सबने बहुत पूछा था वो ये कि आप कुछ एक्सरसाइज करते थे कि नहीं, वॉक करते थे कि नहीं। फ्रेंकली स्पीकिंग, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, बच्चे के साथ पॉसिबल ही नहीं होता था। सुबह से लेकर शाम तक छोटी छोटी चीज़ों के लिए उसके पीछे दौड़ो, उसको खिलाओ, उसको रेडी करो, दिन में 10 बार सुसु पॉटी करते हैं वो क्लीन करो, बच्चे के कपड़े चेंज करो, ये सभी चीज़ों में इतना थक जाती थी मैं कि मैं मतलब एक्सरसाइज करना सोच भी नहीं सकती थी। यही मेरी एक्सरसाइज थी इन अ वे। तो मैंने ऐसा कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज या वॉक नहीं किया था थ्रू आउट प्रेगनेंसी। और मुझे मालूम ही पड़ा था 8वें महीने में जाके कि मैं VBAC के लिए भी ट्राई कर सकती हूँ, जब हमारे डॉक्टर ने हमें बताया कि आप अगर करना चाहे तो ट्राई करेंगे हम। तो उसके बाद भी मैंने डॉक्टर से पूछा था कि इसके लिए मुझे कुछ स्पेसिफिक कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत है, तो उन्होंने बोला था कि नहीं, आप जैसे नॉर्मल जो दिन में करते हो, जो एक्टिविटीज़ करते हो वही करिए, कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ऐसे ही पहले से VBAC प्लान नहीं किया था, पहले तो मुझे मालूम भी नहीं था कि ये एक ऑप्शन भी है। 8वें महीने में जाके मुझे मालूम पड़ा कि मैं VBAC ट्राई कर सकती हूँ। तो बस ऐसा ही था मेरा सिंपल सा रूटीन। आई होप कि इस वीडियो से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे एंड काफ़ी सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। अगर आपने मेरा लेबर एंड डिलीवरी वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो भी आप ज़रूर से देखिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसमें भी आपके काफ़ी सारे VBAC रिलेटेड डाउट्स क्लियर होंगे।
तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिनको ये हेल्पफुल हो सकता है, ऐसे पेरेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एंड प्लीज़ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए, जिससे कि चैनल भी ग्रो करे, मैं ऐसे ही नए नए वीडियोस और भी बनाती रहूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा, एंड बेल आइकन पे ज़रूर से क्लिक कीजिएगा, क्योंकि तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि मैंने कोई नया वीडियो अपलोड किया है। तो इतना ज़रूर से कर दीजिएगा। मैं वापस आऊँगी विथ न्यू वीडियो, न्यू कॉन्टेंट। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।